तो मूल सौराष्ट्र अने अत्यारे तमिलनाडु रहता तमिल परिवारों पोताना वतननी मुलाकात करी शके ते माटे केन्द्र अने राज्य सरकारना सहयोगथी सौराष्ट्र तमिल संगम योजाई रह्यो छे। जेमां तबक्कावार तमिल परिवारों सौराष्ट्र आवीने सोमनाथ दादाना दर्शन, गीर नेशनल पार्कनी मुलाकात, द्वारका यात्रा धामना दर्शन करवानी साथे अहींनी सांस्कृतिक धरोहरथी पण वाकिफ थई रह्या छे। पोरबंदर अने द्वारका वच्चे विसावाड़ा गाम खाते आवेला मूल द्वारका तीर्थधाम खाते भगवानना दर्शन कर्या बाद विजांत भक्त मेर समाज वाड़ी खाते अग्रणीओ द्वारा तमिल परिवारोनुं स्वागत करायुं हतुं। आ तके अहीं प्रवासन मंत्री मुळुभाई बेरा, सांसद रमेशभाई धड़ूक, पूर्व धारासभ्य बाबूभाई बोखीरिया सहित अग्रणीओए तमिल परिवारोनुं फूलहारथी स्वागत कर्युं हतुं। पोरबंदरनी सांस्कृतिक ओळख एवा मणियारो रास निहाळीने तमिल परिवारो उत्साहित थया हता। पारंपरिक महेर पहेरवेश द्वारा बहनों अने भाईओए मेर रास, ढाल तेमज तलवार रास रजू करी तमिल परिवारों नो भावभर स्वागत कर। पोरबंदर जिला विसावाड़ा एट मूल द्वारका आज आखो कार्यक्रम है तमिल संगम। ये कार्यक्रम अपने बदा ख्याल है कि भारत सरकार और राज्य सरकार बे संयुक्त रीते आ कार्यक्रम आयोजन करू। आ कार्यक्रम में लोक भागीदारी ने खास कर ग्रामीण संस्कृति ने जोड़ एक प्रयास करो। एम सरकार द्वारा आयोजन नहीं स्वयंभू गाम पोते गीर सोमनाथ में बादनपर द्वारका में टुकड़ी अने गई काले द्वारका में वसई गामे पर हतु। जे ट्रेडिशनल ड्रेस छे ई वागेर समाज होय, रबारी समाज होय, आहिर समाज होय, मेर समाज होय, ए अलग अलग समाजना आगेवानोए पोताना गाममां आ मेहमानोने बोलावी अने त्यां पोतानी रीते अहींया स्वागत कर्युं। आपणे जोयुं के विसावाड़ामां हमणां भव्यथी भव्य स्वागत पण कर्युं अने मूळ द्वारका जे छे मैं सेलम से आई हूँ। यहाँ सौराष्ट्र तमिल संगम आके मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहले मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यहाँ से तमिलनाडु गए हैं। हम उनका सपनों तपना था कि यहाँ आकर हमारे स्थान को, हमारे देवदा तीर्थ को जाना है। वो सब सपना को साकार कर दिया है मोदी जी का गवर्नमेंट। हमको बहुत खुश है यहाँ आकर।